यस, मैं थोड़ा सेटअप कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। अच्छा, आपको क्या आज के हॉस्टल में क्या सीखना है? यस, मैं मॉडल चालू थे एंड वाज गॉन आउट स्टेशन। ओके ओके, नो इश्यू। आपकी टेक्निक, आपकी हॉस्टल की टेक्निक बहुत ब्यूटीफुल होती है। थैंक यू सो मच, आपसे सीखा है। ओके, अच्छा, कल न्यू ईयर का जो मेरा लाइव सेशन था उसमें आप में से कौन कौन थे? कल मैंने न्यू ईयर 2023 डिजिट के साथ मैंने हेयरस्टाइल बनाया था, तो वो सेशन किस किस ने देखा है? आप में से कल के सेशन में कौन कौन था मेरे साथ कनेक्ट? सो गाइस, अभी मेरा जो सेशन है वो इंस्टा और यूट्यूब दोनों जगह पे लाइव चल रहा है, तो अगर आपको इंस्टा पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है देन आप मुझे यूट्यूब पे भी कैच कर सकते हैं। एंड इंस्टा पे भी मेरा शुरू है, सो डोंट वरी, आप अगर कन्वीनियंट है देन आप देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा मुझे भी यस, जिसको भी सीखना है मेरी जो क्लास है उसकी मैं डिटेल शुरू करूँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो कर सकते हैं। कल से ही मेरी 3 डेज की क्लास शुरू हो रही है, यानी कि आज लास्ट डे है बुकिंग के लिए। कल से हमारी 3 डेज की क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लास शुरू हो रही है। ऑफलाइन की बुकिंग तो वैसे हमने क्लोज कर दी है, पर ऑनलाइन करने का आपके पास अभी चांस है। आप कल से हमारी जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से 3 डेज की ऑनलाइन हॉस्टल मास्टर क्लास जो हो रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये 3 डेज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी 5 डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल, जिसमें अलग अलग टेक्निक के साथ वेरिएशन होगा, क्रिएशन होगा, जिसमें ब्राइडल हॉस्टल, मेसी हॉस्टल, एडवांस हॉस्टल, क्रिएटिव हॉस्टल, सब टाइप के कंसेप्ट के साथ ये 3 डेज की क्लास रहेगी। एंड ये 3 डेज के क्लास के जो वीडियोज है वो क्लास के बाद 15 डेज तक सेव रहेगा। एंड ये कोर्स जो है वो सर्टिफाइड रहेगा डेफिनेटली। एंड ये कोर्स की जो फीस है वो है 1500 रुपीज़। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कल वाली क्लास ज्वाइन करनी है तो आप, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पिन कर देती हूँ, इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्लास को बुक करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं बचा है, कल मॉर्निंग से मैं यहाँ पे लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि कल से मेरा क्लास शुरू हो रहा है। सो अगर आप भी डिटेल में सीखना चाहते हैं, डेप्थ के साथ सीखना चाहते हैं, देन आप मेरी 3 डेज की क्लास कल से जो शुरू हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ, आप ये नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं एंड बुकिंग करवा सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पिन कर दिया है। क्या आप पंजाब में क्लास लेते हैं? नहीं, अभी तो पंजाब का कोई प्लान नहीं है। हेयर प्रिपरेशन के बारे में बताइए। यस, आप कल वाली जो मेरी क्लास हो रही है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आपको ब्राइडल हेयर स्टाइल करना है, कैसे आपको हॉस्टल में टैक्सचर क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। बहुत लेट आए। यस, आज मुझे थोड़ा बुखार था, सो हॉस्पिटल से मैं सीधा आई हूँ आप लोगों को लाइव दे करने के लिए। सो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। आज मेरा बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, फिर भी आप लोगों को कमिटमेंट किया था, आज मैं पहुँच गई हूँ। थोड़ा लेट हो गया उसकी वजह से। क्लास की टाइमिंग रहेगी फुल डे, 11 बजे क्लास शुरू होगा एंड 3 से 4 बजे तक क्लास चलेगी। फुल डे क्लास रहेगी, पर डे दो लुक रहेगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे एक लुक रहेगा। तो उस हिसाब से हमारी क्लास चलती है फुल डे। फीस है ओनली 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। क्लास की बुकिंग के लिए नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चले। सो फाइनली आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास का टाइम रहेगा कल से, जो मेरी 3 डेज की क्लास शुरू हो रही है उसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 11 बजे क्लास शुरू हो जाएगी एंड 3 to 4 o'clock तक चलेगी क्लास। बेबी हेयर को कैसे कवर करें? बेबी हेयर को कवर करने की टिप्स आपको मेरे क्लास में हर कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, किस तरह से आपको
बेबी हेयर को कंट्रोल करना है, कैसे आपको कौन से हेयर में क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे टेक्सचर क्रिएट करना है, कैसे फोम, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये सारी डिटेल में डेप्थ में आपको चीज़ कल वाला जो मेरा क्लास शुरू हो रहा है उसमें आपको सीखने को मिलेगी। बिकॉज ये लाइव सेशन में ये डिटेल में डेप्थ के साथ पॉसिबल नहीं होता है, लाइव सेशन में बहुत कम टाइम हमारे पास रहता है। सो अगर मैं चाहकर भी आपको सिखाने की ट्राई करूँ तो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज टाइम कम रहता है, राइट। और क्लास जब आप मेरी ज्वाइन करते हैं तो क्लास में मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी डिटेल में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ऑफलाइन क्लास कब है, सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, ये जो कोर्स है वो सर्टिफाइड कोर्स है, एंड ऑफलाइन क्लास ये कल से जो शुरू हो रही है 3 डेज की क्लास, वो ऑफलाइन भी है एंड ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन क्लास बिल्कुल फ्री क्लास है एंड ऑनलाइन क्लास की चार्ज है 1500 रुपीज़। सो ऑफलाइन क्लास मेरी टोटली बुक हो चुकी है एंड बहुत ही जल्दी, यानी कि कल से जैसे है ये क्लास मेरा सीरीज़ टू, फ्री क्लास सीरीज़ टू शुरू हो रहा है एंड थर्ड सीरीज़ का भी डेट बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे। 3 डेज की ऑफलाइन क्लास मेरी एब्सोल्युटली फ्री रहती है, जिसमें आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। 3 डेज आपको जस्ट सूरत आना है एंड मेरी अकेडमी ज्वाइन करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 डेज का कोर्स मिलता है, राइट। एंड ऑनलाइन जो कोर्स रहता है उसकी 1500 रुपीज़ फीस रहती है। हाय पायल, हैप्पी न्यू ईयर, आर यू प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग टू? यस, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी है, तो ऑफलाइन फ्री कोर्स रहता है तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। एंड अगर आपको ऑफलाइन मेरा रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो मेरी एप्लीकेशन है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट करके, एंड उसमें अभी ऑफर चल रहा है, 200+ हेयर स्टाइल के रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, वो सारे वीडियोज़ बेसिक टू एडवांस है एंड उसकी एक्चुअल प्राइस है 25,000, पर हमने इस महीने में डिस्काउंट रखा है, 40% डिस्काउंट आपको मिलता है, यानी कि 200 हेयर स्टाइल के वीडियोज़ का जो 25,000 का पैकेज है वो आपको मिलेगा 15,000 में। एंड ये जो पूरा 200 हेयर स्टाइल का कोर्स है वो आप 1 ईयर तक एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स मेरा बाय करना चाहते हैं देन ये पूरा कोर्स आप 15,000 में अभी बाय कर सकते हैं एंड 1 साल तक आप सारे हेयर स्टाइल देख सकते हैं। आपका श्रीलंका का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है, आप सबका सपोर्ट होता है तो मेरी हर बैच हर क्लास बहुत अच्छी रहती है। हेलो महेश गजराज जी, गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन क्लास करनी है? यस सर, मैंने कांटेक्ट नंबर पिन किया है, उस नंबर के ऊपर आप कॉल कर दीजिए। गाइज, आज थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को आपके जो भी आंसर्स है, ठीक है। चले, सो फाइनली यहाँ पे हेयर को टेंगल फ्री करते जाएंगे एंड सी यहाँ पे जो मैं हेयर स्टाइल करने वाले हूँ काफ़ी इजी टेक्निक के साथ होगा, सिंपल टेक्निक के साथ होगा और ये हेयर स्टाइल आई थिंक हर कोई कर सकता है क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड के साथ मैं क्रिएट कर रही हूँ, राइट। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी जो हेयर स्टाइल मैं कर रही हूँ उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है देन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन यानी कि आप क्रिम्प कर सकते हैं वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि यस आपके हेयर सफिशिएंट है, ग्रोथ ओके है, देन आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ऑलरेडी पहले हेयर स्टाइल की हुई है, आप देख सकते हैं हेयर काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं किया है, जस्ट मैं क्या करूँगी, शाइन स्प्रे करूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अगली मेरी फ्री क्लास बहुत ही जल्द हम दो तीन दिन में डेट अनाउंस कर देंगे फ्री क्लास की। चले, सो मैं क्या करूँगी, आज मैं ना ब्रेड बनाऊँगी थ्रेड के साथ, राइट। सो थ्रेड के साथ आपको कैसे ब्रेड बनाना है वो चीज़ आपको ध्यान से सीखना है कि अगर आपके पास इस तरह के कोई लेस है, थ्रेड है या फिर कुछ भी उस तरह की एसेसरीज आपके पास है तो आप कैसे उसी से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। इसको आप हैक भी बोल सकते हैं कि थ्रेड के साथ कैसे आप ब्रेड बनाए, है ना। सो जस्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिंगर से एक सेक्शन ले रही हूँ, फिंगर कोम करती जाओगी। फिंगर कोम इसीलिए कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई शार्प टेक्सचर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ना रफ टेक्सचर चाहिए। सो रफ टेक्सचर मुझे ऐसे ही मिलेगा जब मैं सेक्शन को थोड़ा पुल करूँगी या फिर तो मैं फिंगर से इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करूँगी, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेक्शन लेके विदाउट बैक कोमिंग जस्ट फिंगर से
फिंगर कोम करके टेक्सचर क्रिएट करूंगी अप डाउन, ना तो मुझे शार्प पुलिंग चाहिए ना तो मुझे बिल्कुल प्लेन लुक चाहिए। ओके गाइज, आप लोगों के कमेंट अभी मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, मैं लाइक जैसे ही कमेंट रीड करूंगी आपको मैं बताऊंगी, आप मुझे जो भी आपके क्वेश्चन है कर सकते हैं। ठीक है, चले अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे करूंगी ताकि थोड़ा मुझे टेक्सचर और शार्प मिल जाए, एंड इसके बाद हॉट स्प्रे अभी मैं कर रही हूँ है ना टेक्सचर को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये जो हेयर है उसकी बनाऊंगी पोनीटेल। सो पोनीटेल के लिए आपको यहाँ पे लेना है स्मॉल रबर बैंड। सो स्मॉल रबर बैंड लेकर मैं बनाऊंगी पोनीटेल। यहाँ पे आपको पिन नहीं करना है बिकॉज मैं नीचे थ्रेड के साथ वर्क करूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है रबर बैंड, राइट। सो आप नीचे जो चीज कर रहे हैं उसी के साथ जो कनेक्ट होती है वही चीज आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, और थोड़ा मैं इसको रफ कर दूंगी इस तरह से बिकॉज मुझे एक सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए। इसे आप देखिए है ना, ऐसे करने से आपको एक टेक्सचर मिलता है, इसको टेक्सचर बोलते हैं। चले अब मैं करूंगी यहाँ पे जो पोनीटेल मैंने बनाया है पोनीटेल में थ्रेड को अटैच करूंगी। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक नॉर्मल सा ऊन का धागा भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल थ्रेड भी आप बोल सकते हैं, राइट। सो कलरफुल है बट इट्स ओके, ये दिखने वाला नहीं है। सो मैं इक्वली दोनों साइड रखूंगी, एंड्स को इक्वली आपको रखना है एंड रबर के ऊपर आपको टाई करना है, नॉट बनानी है इसकी, ताकि यहाँ पे आपका थ्रेड जो है वो टाइटली लॉक हो जाए। एक या दो नोट्स आप बना सकते हैं ताकि आपका थ्रेड जो है लॉक हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया है, लॉक हो गया है थ्रेड। सूरत में मेरी क्लास होती है मेरी एकेडमी पे, सो एकेडमी का एड्रेस के लिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर जो रखा है पिन किया है, वो नंबर के ऊपर आप कॉल कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यस गाइज, कल की जो ऑनलाइन क्लास आपको करनी है, इस तरह से आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है बेसिक से, लाइक आपको क्रिम्पिंग कैसे करना चाहिए, कौन सी हेयर स्टाइल में कौन सा फोम देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक फोम डिज़ाइन करके दिखाया है, टेक्सचर डिज़ाइन करके दिखाया है, तो मैंने ये फिंगर से टेक्सचर डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग चीज़ों से आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं अपनी हेयर स्टाइल में, एंड वो टेक्सचर आप कौन सी क्रिएशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग टेक्सचर को क्रिएट करना होता है। तो इस टाइप की आप डिटेल में सारी चीज़ सीखना चाहते हैं ना, तो कल मेरी जो क्लास हो रही है उसमें मैं आपको इस टाइप की सारी टेक्सचराइज हेयर स्टाइल, क्रिएटिव हेयर स्टाइल, प्लेन हेयर स्टाइल, सारे हेयर स्टाइल दिखाने वाले हूँ। तो यस, आपको अगर बुकिंग करवानी है तो आप अभी भी करवा सकते हैं। 3 डेज की क्लास मेरी कल से ही, कल मॉर्निंग से ही शुरू हो रही है। अच्छा, ये जो थ्रेड है उसका मैंने ऊपर नॉट किया था, राइट। अब मैं एक नॉट नीचे बना देती हूँ ताकि मुझे सेकेंड सेक्शन में नॉट करना काफ़ी ईजी हो जाए। तो यहाँ पे आपको ना बहुत ध्यान से नॉट बनानी है क्योंकि आपके हेयर बीच बीच में नॉट के साथ फंस जाएंगे, तो फिर जब आप हेयर स्टाइल को रिमूव करोगे तो वो हेयर आपके ब्रेक हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ का ध्यान रखोगे जब भी अपने क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं। एंड यस, ये 3 डेज के क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़, और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, क्लाइंट को कंसल्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें 3 डेज के अंदर। आप फुल डे मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत सारी चीज़ सीखोगे। चले अब मैंने क्या किया है, दोनों साइड से सेक्शन लिया है, एंड सेक्शन लेने के बाद जो मेरी पोनी थी पोनी के एग्जिट ऊपर रखा है, एंड रखने के बाद ओके सो यहाँ पे क्या करूँगी, अगेन दोनों स्टैंड को लेकर एक और नॉट क्रिएट करूँगी। से यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्टली हैंड रखना होगा, एंड नहीं भी रखोगे तो ये सॉफ्ट हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ थ्रेड उतना टाइट नॉट्स नहीं, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, नॉट हो चुकी है। अच्छा, आपकी कोई कमेंट्स फीस के लिए गाइज, मैंने नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। 3 डेज की क्लास जो मेरी कल से शुरू हो रही है उसकी फीस है ओनली 1500 रुपीज़,
₹1500, जिसमें आपको मैं 5 हेयर स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशन के साथ सिखाऊंगी, जो सारे हेयर स्टाइल प्रैक्टिकल रहेगी। एंड यस, वो सारे हेयर स्टाइल आप अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं एंड डिफरेंट टेक्निक के साथ रहेगी, राइट। वैसे मैं लाइव सेशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, तो आपको लगेगा कि सेम ही होगा, नहीं, बिल्कुल ये जो क्लास रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास डिफरेंट रहती है और लाइव सेशन भी डिफरेंट रहता है। सो आपको कोई चीज़ ऐसी रिपीट नहीं होगी, डिफरेंट चीज़ें ही आपको सीखने को मिलेगी। सो प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल हम कल जो क्लास हो रही है उसमें सिखाने वाले हैं। अच्छा, मैंने अगेन यहाँ पे 2 सेक्शन लिया है एंड अगेन एग्जिट नीचे नॉट्स बनाएंगे। सो रिमेंबर, आपको ये जो नॉट्स बनानी है वो आपके सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप रखना है, आपको बाजू बाजू में या फिर तो ऊपर ऊपर नहीं करना है, राइट। नीचे नीचे आते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे। चले, सो यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा टाइट नॉट कर दूंगी एंड इसके बाद अगेन आउटर साइड से सेक्शन। इस तरह से ना दोनों साइड से आपको आउटर सेक्शन लेना है, राइट का आउटर सेक्शन होगा, लेफ्ट का आउटर सेक्शन होगा। ओके, चले, सेम कंटिन्यू। अच्छा, इसका लुक आपको ना लास्ट में बहुत डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पे आप कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया है सिंपल सा धागा, तो आप अगर चाहे कोई फैंसी लेस यूज करना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं। ये सेव रहेगा, डेफिनेटली ये सेव रहेगा, मेरा यूट्यूब चैनल है वहीं पे सेव आपको मिल जाएगा। मेरे जितने भी लाइव सेशन है सेव्ड सेशन है यूट्यूब पे, सो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। अगेन स्टेप बाय स्टेप प्लेसमेंट होगा ईच एंड एवरी सेक्शन का। राइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, अब मैं नेप एरिया पे जा रही हूँ, राइट। यहाँ तक तो मेरे पास हेड था, अब जो आएंगे नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगा हेड का, हेयर के सपोर्ट के ऊपर ही मुझे कंटिन्यू करनी है ये चीज को। यस यस, ओके, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताए कि आप लोग मेरे लाइव सेशन से जो हेयर स्टाइल देखते हैं सीखते हैं, है ना, तो क्या मेरे लाइव सेशन से आपके काम में आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आता, आप खुद फील करते हैं कि आपको ये लाइव सेशन से सीखने को मिल रहा है या आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? सिर्फ आप मेरे लाइव सेशन देखोगे तो सीधा आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, राइट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, बट डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। सो क्या आप में से किसी ने ऐसा फील किया है कि मेरे मॉर्निंग सेशन आपकी पैरासिटामोल है? हाँ जी, बहुत सीखने को मिलता है। ओके, अच्छा गाइस, सी यहाँ पे जो चीज मैंने क्रिएट की है, राइट,
एक तो टेक्सचर दिया है एंड यहाँ पे थ्रेड के साथ मैंने नॉट बनाई है। अब आप चाहे कि आपको नीचे ये चीज को कंटिन्यू नहीं करना है, समटाइम्स ऐसा होगा कि टाइम नहीं होगा या फिर तो कुछ हेयर की लेंथ नहीं होगी या वॉल्यूम नहीं होगा, देन आप यहाँ पे नीचे ना कर्ल्स करके भी इसको ऐसे ही रख सकते हैं। एक आप पोनी बना दो तो ये सेमी ओपन लुक आपका हो जाएगा, है ना। सो मेरे क्लास में मैं आपको इस टाइप की सारी चीजें ही सिखाती हूँ कि आप एक हेयरस्टाइल से अगर दो तीन बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चाहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है या हेयर लेंथ नहीं है या ग्रोथ नहीं है, देन मैं क्या करूँगी, सेमी ओपन लुक डिजाइन कर दूंगी, कर्ल्स कर दूंगी, वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगी यहाँ पे, है ना। तो यस, कल से जो क्लास शुरू हो रही है उसमें मैं आपको इस टाइप की, मतलब आपके लिए जो यूजफुल चीजें हैं, यूजफुल टिप्स है, ट्रिक्स है, जो ऐसे हैक्स है, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी 3 डेज के क्लास में। और क्लास 3 डेज की जो है वो कल से ही शुरू हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने नीचे पिन कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि आपको लाइक मैं आपको जो बोल रही हूँ कि इंटरेस्टेड है, पर आपको ये करनी चाहिए इसीलिए क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करोगे 1500 रुपीज़, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो सीखने के लिए 1500 रुपीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एंड रही बात कि अभी सीज़न भी चल रहा है, नई चीज़ समय के साथ काम में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको क्लास करनी चाहिए। एंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, नई चीज़ सीख के आपके क्लाइंट को रिसेंट काम देना चाहिए। चले यहाँ पे अगेन मैं क्रिएट करूँगी नॉट, अच्छा इसको मैं थोड़ा टाइट कर दूंगी, राइट। सो मैं ना यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ और नीचे मैं कर्ल्स करके पूरी बना रही हूँ, राइट। सो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आपको थोड़ा पुलिंग देना है तो मैं थोड़ा पुल कर दूंगी और ये सेक्शन को मैं टाइटली नॉट करके कंप्लीट करूंगी। सो मैं यहाँ पे करूंगी 2 नॉट्स क्योंकि एंड करना है आपको, है ना। आप अगर सिंगल नॉट करोगे तो क्या होगा, इससे आपकी नॉट जो है वो लूज हो जाएगी। तो 2 नॉट्स क्रिएट कर दूंगी ताकि सेक्शन मेरा टाइट लॉक हो जाए, राइट। अब आपके मतलब आपकी चॉइस कि आपको पुल करना है या टाइट रखनी है ब्रेड, या लूज रखनी है, या मैसी करना है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सी, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पुल करूँगी ताकि थोड़ा वॉल्यूम मिले, मैसी मिल जाए। Yes, आपको समझ में आ गया किस तरह पे मैं काम कर रही हूँ। एंड एक चीज आप यहाँ पे नोट करिए कि जो मैंने थ्रेड का नॉट्स बनाया है वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है ना। एंड एक और चीज, ये हेयर स्टाइल अगर आप मेसी फॉर्म में क्रिएट करोगे तो इसमें आप का भी नीड नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी, फिंगर से, ठीक है, यस। आप एंड तक सेम अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लुक आया वो आपका एंड तक लुक आएगा, यस। आप डेफिनेटली अगर एंड तक जाना चाहे तो जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये थ्रेड मेरा जो है एक्स्ट्रा है तो मैं कट नहीं करूँगी, इसको मैं रोटेट करके हाइड कर दूंगी, है ना। मैं आपके लाइव वीडियो डेली शेयर कर दूँ, दैट्स नाइस। अच्छा,
चले इसको मैं पिन से फिक्स करूंगी। बहुत फायदा होता है आपके लाइव सेशन से, बहुत टिप्स बहुत काम आता है, टिप्स भी। ओके, इसीलिए आज मेरा बहुत हेवी बुखार था, स्टिल मैं आप लोगों के लिए अभी बोलने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है एंड यस स्टेमिना भी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आप लोगों के काम में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो मॉर्निंग में। सो यस मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ टाप्ट 6 फैक्टर, आप 4 फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, 5 फैक्टर भी आप यूज़। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी, बस क्रिएट करती जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे कर्ल्स मेरे जो हो गए, मैं ज्यादा टाइट लुक नहीं दूंगी बिकॉज यहाँ पे मेरा पूरा एक मैसी फोम है, मैसी टेक्सचर है। सो मैं 22 mm की साइज यहाँ पे यूज करूंगी। एंड अनइवन डायरेक्शन के साथ सॉफ्ट कर्ल्स करती जाओगी, राइट? इन आउट आप चाहे कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं अपने हिसाब से। चले बिल्कुल सॉफ्ट कर्ल्स करना है यहाँ पे, आपके आर्टिफिशियल इफेक्ट बिल्कुल क्रिएट नहीं होनी चाहिए, राइट? वंडरफुल, थैंक यू। हेलो नेहा जी, हाय गाइस, जो भी यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट अभी मैं अभी देख सकती हूँ, पहले नहीं देख रही थी। सिल्की हेयर पे कर्ल्स कैसे करें? सिल्की हेयर है या फिर कर्ली हेयर है, कर्ल्स करने का टेक्निक, कर्ल्स करने का तरीका सेम ही होता है, बस आपको जस्ट कौन से हेयर पे कितना टेम्परेचर रखना है, कौन सी डायरेक्शन रखनी है, वो चीज़ मेन होती है, बाकी कर्ल्स का टेक्निक तो सेम होता है हर हेयर में। कर्ल्स जल्दी खुल जाते हैं, उसके लिए क्या करें? सी सॉफ्ट सॉफ्ट कर्ल्स होगा वो लूज ही रहता है ना, तो वो ओपन होने के चांसेस थोड़े है, बट सॉफ्ट कर्ल्स को आपको थोड़ा टाइट करना है लॉन्ग लास्ट रखने के लिए, देन आप हार्ड स्प्रे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने सॉफ्ट चीज ही क्रिएट की है तो वो तो खुलनी ही खुलनी है, जितना टाइट रहेगा उसमें आपको थोड़ा लास्टिंग मिलेगा। डमी पे अभी मैं टेम्परेचर है 180, डमी पे आपको 180 ही रखना है। गाइज आप इस टाइप की छोटी छोटी टिप्स एंड हैक्स जानना चाहते हैं ना, मेरे यूट्यूब चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइल हैक एंड टिप्स, जहाँ पे काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट हैक एंड टिप्स मैंने दिया है कि आपको कैसे हर टाइप की थियोरी से लेके हेयर स्टाइल तक की एंड प्रैक्टिकली सब चीज़ मैंने वहाँ पे ना आपको हैक में और टिप्स में शेयर की है। तो लाइक आप मेरी टिप्स भी देखोगे ना वो चैनल पे जाके, तो आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, आपको छोटी छोटी टिप्स मिल जाएगी हेयर स्टाइल की। तो मेरा मेन चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट लाइव, जिसमें मैं हर रोज लाइव सेशन देती हूँ, एंड मेरा अदर चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट टिप्स एंड हैक्स, जहाँ पे आपको छोटे छोटे टिप्स मिलते हैं हेयर स्टाइल के जो आपके काम में बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, आपको जस्ट लाइक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपको मशीन कितने टेम्परेचर पे रखनी है, राइट? तो उस टाइप के बहुत सारे टिप्स मैंने वहां पे दिए हैं, विजिट करिएगा चैनल।
चले अब मैं यहाँ पे करूँगी शाइन स्प्रे। आप इस तरह से टाइट कर्ल्स भी अगर रखना चाह सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्टली ओपन करूँगी इस तरह से, है ना। सी बाउंसी पोनी हो गई यहाँ पे मेरी। सो आप इस तरह से देना है, कैसे रिड्यूस है हर चीज। ओके ओके सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंसी पोनी चुका है सकते हैं, क्योंकि ये तो है ना। सो इस टाइप के ओपन लुक सेमी ब्रेड छोटा सा यूपिंग्स रखती हूँ, या फिर तो आपको अगर लगता है कि आपको डेकोरेट करने की नीड है देन आप स्मॉल बिट्स के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा डेकोरेशन कुछ करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने पिंक थ्रेड तो यूज़ कर ही दिया है। जस्ट एक मैं एंड में लगा दूंगी। ओके सो अब आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट। कैसा लगा आप लोगों को ये लुक, आज का लुक हमारा कैसा लगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट मैं ऑफ कर देती हूँ 2 मिनट, है ना, फिर आप करना कमेंट। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, वेट गाइस। चले सो हियर इज द फाइनल लुक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आपको करना है मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन, जो इंस्टाग्राम पे मुझे लाइव देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे मेंशन करेंगे, जो यूट्यूब पे मुझे लाइव देख रहे हैं वो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मेंशन करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा @PYLPTEL। सो वीडियो जैसे ही मैं सेव करूँगी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा का लिंक ऐड कर दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए। एंड यस इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी छोटा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और वहाँ पे आपको मेरी सारी अपडेट्स जो भी है अपकमिंग क्लास की एंड जो भी हेयर स्टाइल रिलेटेड जो भी है आपको वहीं पर मिलती रहेगी। सो अगर आप में से किसी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट नहीं किया है सो आप जाइए और विजिट करिए। एंड यू इंस्टा फैमिली, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजिट नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड विजिट करिए। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरा 2 चैनल है, एक है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट लाइव जहाँ पे मैं एवरी मॉर्निंग लाइव सेशन देती हूँ, एंड अदर चैनल है मेरा पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट हैक एंड टिप्स जहाँ पे मेरे शॉर्ट हैक एंड टिप्स है हेयर स्टाइल रिलेटेड। सो दोनों चैनल आपके लिए आई थिंक ज़्यादा ही यूजफुल है एंड आप लोगों के लिए ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। सो कमेंट मैं ऑन करती हूँ एंड
साइड का लुक भी आप देखिए, साइड का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। खूब छान, थैंक यू सो मच। ओके सो यूट्यूब फैमिली, जो आज का सेशन है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की सबके कमेंट तो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, बट जितनी मैं कर सकती हूँ वो सारे कमेंट के आंसर्स मैं दे रही हूँ आपको। गुड इन माइंड लविंग, थैंक यू सो मच, आप बहुत मस्त बनाया है, थैंक यू सो मच, इतना कुछ सीखने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू गाइस। यस, मैं आपके लिए आती हूँ, आप मेरे लिए आते हैं, तो डेफिनेटली दोनों का काम होता है। आप, मैं सिखाऊंगी, आप सीखेगा, ठीक है। यस, वीडियो सेव हो जाएगा। अगर किसी ने मिड में ज्वाइन किया है या फिर लास्ट क्लास में ज्वाइन किया है, देन डोंट वरी, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पूरा सेशन सेव्ड है, आप लोग वहीं पे जाकर देख सकते हैं। बाकी के भी मैंने कई सारे ऐसे सेशन दिए हैं जो शॉर्ट हेयर पे है, ब्रेड हेयर स्टाइल मैंने दी है, इजी हेयर स्टाइल दिया है, प्रोडक्ट के बारे में बताया है। आप मेरे सेशन एक बार यूट्यूब पे जाकर विजिट कर लीजिए, आपको वहीं से बहुत सारी चीज सीखने को मिल जाएगी। ओके सो फाइनली मैं यूट्यूब पे ये सेशन को एंड करती हूँ, एंड मिलेंगे अब हम 3 to 4 के बाद, क्योंकि कल से मेरी 3 days की क्लास शुरू हो रही है। अगर आप मेरे साथ कल से ही कनेक्ट होना चाहते हैं, कल साथ सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज, सारी डिटेल हेयर स्टाइल के साथ नॉलेज लेना चाहते हैं, देन आप मेरी कल से जो 3 days की क्लास शुरू हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कल से जो शुरू हो रही है क्लास, वो 3 days की है, ऑनलाइन क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि सब फंडे के ऊपर, सब कंसेप्ट के ऊपर हेयर स्टाइल रहेगा। एंड 5 हेयर स्टाइल में आपको ब्राइडल हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल मेसी हेयर स्टाइल, हर टाइप के अलग अलग कंसेप्ट के साथ आपको डिफरेंट के साथ चीजें सीखने को मिलेगी। एंड ये जो 3 days का कोर्स है वो सर्टिफाइड रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, आपको इतने ही हाई रेजोल्यूशन के साथ वो सारे अटेन करने होंगे। एंड ये 3 days के बाद जो सेशन है वो हम 15 days तक सेव रखेंगे, तो आप बाद में भी ये सारे सेशन देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। एंड ये कोर्स की फीस है ओनली 1500 rupees। सो यस, आप बुकिंग के लिए कॉन्टेक्ट नंबर पिन किया है, अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे इंस्टा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। यस, वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी सेव कर दिया है, सो आप वहीं पे जा